मन बुला ली तो दूध देकर बुलाती है तुम देकर बुलाती तुम्हें
是你意思？是看见一。
पहले की तुलना में ये सस्ती है, बढ़ाकर तो वो मिट्टी भी महंगी हो गई है क्योंकि इसकी मिट्टी अलग आती है ना, बाहर जाती तालाबों की मिट्टी आती है। 4,000 लेता है आप, 6-7,000 भी लेता। तालाबों की मिट्टी होती है ना इसकी, तो देखिए इस बार रोल करके बता दीजिएगा है ना। आपका नाम बताए? रमेश। दीपावली के लिए आप दिए बनाने का काम कर रहे हैं, किस किस प्रकार की क्वालिटी है, क्या क्या वेरायटियाँ रखी थी इस बार? हर प्रकार की वेरायटी है, छोटे से लेकर बड़े दिए तक और फैंसी आइटम तक है, खिलौने हैं, सब है इसमें। और ये आपने कब से काम शुरू कर दिया था दीपावली के लिए मिट्टी के दिए बनाने का? ये नवरात्र से चालू कर दिए थे। और क्या ऑर्डर वोडर आपके पास? ऑर्डर एडवांस पड़ा है, पूर्ति हो रही नहीं है आपके, तेजी आपके दीपकों में आपके, क्योंकि चाइना की चीजें बंद हो गई आपके, चाइना की सरकार में चाइना की जो आइटम थे वो बंद हो गए, उसकी फर्क पड़ा है बिक्री में? हाँ फर्क पड़ा है, पहले तो 20 दीपक लेते थे, अब 100-100 150-300 ले जाते हैं लोग बाग जोड़ने के लिए, इसलिए काम ज्यादा है। हाँ ज्यादा बड़ा आपकी। अच्छा बात की जाए तो कौन सी मिट्टी का उपयोग आप इसमें कर रहे हैं? इसमें काली मिट्टी और लाल मिट्टी का दोनों मिक्स मिलानी पड़ती है। और ये मिट्टी कहाँ से आती है? ये दूर से आती है, ये बगरू से हिंगोणे से। और क्या कीमत है इसकी पहले की तुलना में? पहले तो 4,000 की आती थी, अब 7,000 भी लेने लग गया बंद। कीमतों में इजाफा हुआ है? हाँ, तो इस दीपक में भी ज्यादा महंगा लेना पड़ रहा है हमको, लेकिन बिक्री है क्योंकि एडवांस में ऑर्डर मिल रहे हैं आपको तो। एडवांस बिक्री में खुले में बेचते हैं, वो एडवांस भी ले लेते हैं जी, मतलब दोनों हाँ, में भी बेच रहे हो थोक में भी और रिटेल में भी। आपका नाम बताए? रमेश प्रजापत। मेरा नाम मुकेश प्रजापति है, गाँव घसीमपुर है। आपके यहाँ का जो पूरे परिवार है प्रजापतियों का, कितने सालों से मिट्टी के दीपक बर्तन बनाने में बिताए? मेरे दादाजी और फिर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, लगभग हमारे को 70-80 साल हो गए हैं जयपुर में। और यहाँ पर और भी परिवार है? और भी काफी बड़ा परिवार है, 100 मकान है यहाँ पे। हाँ सभी ये मिट्टी के आइटम बनाते हैं और हर आइटम बनता है यहाँ पे और बढ़िया तरीके से बनता है। और अब दिवाली की तैयारी में लग रहे हैं, हमारे को 1.5-2 महीना हो गए दीपक बना रहे हैं, मार्केट में सप्लाई भी दे रहे हैं, दुकानों भी बेच रहे हैं और दीपकों की डिमांड बहुत ज्यादा है आपकी बार। और ये क्या है कि दीपक की जो रोशनी होती है ना, ये रोशनी खुशबूदार होती है, वातावरण शुद्ध करती है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा जलाया जाए। और ये जो चाइनीज आइटम बंद होने के कारण इनकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। मिट्टी की यहाँ तक बात की जाए, मिट्टी कहाँ से मंगाते हैं आप? ये मिट्टी हमारी बाहर से आती है, बाहर जैसे कि बाहर गांव का जो एरिया है वहाँ पे तालाब है, तालाब में फिर पानी बढ़ता है, पानी बर सूखने के बाद में तालाब से जो निकलती है वो चिकनी मिट्टी होती है, तो वो महंगी आती है। वहाँ भराई आदमी लगते हैं, ट्रैक्टर आता है, वो महंगी आती है, 8-10 हज़ार रुपये ट्रॉली पड़ती है। पिछले साल की तुलना में इस बार मिट्टी महंगी हुई है? हाँ 1,000 रुपये महंगी हुई है। और धंधे की यदि बात की जाए तो आपके पास डिमांड आ रही है या कोई बड़े बड़े वो भी आई है एडवांस में? एडवांस में बुकिंग भी है, बाहर भी जा रहे हैं जैसे कि अजमेर जोधपुर भी जा रहे हैं दीपक यहाँ से, और मतलब जो इनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, काफी डिमांड है इनकी। अच्छा इस बार वैरायटियों की बात की जाए तो किस किस तरह की वैरायटी, किस किस तरह के डिजाइन आने हैं? काफी डिजाइन बनाई है, छोटा भी बनाया है, बड़ा भी बनाया है, कलर भी किया है और पेंसी भी करे हैं, और इस पे कई डिजाइन भी डाली है, कच्चा कलर भी डाला है, पक्का भी डाला है, मार्केट में बिक भी रहा है, बढ़िया चल रहा है कारोबार। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम मुकेश प्रजापति है और घसीमपुर मेरा गांव है और जयपुर मेरा स्टेट है। सब पे आता है, हम तो सबको देखते हैं, हम इनको भेज देंगे जब देख लेना, इनको भेज देंगे जब देख लेना। डेली चारों तरफ से